चंद्रबाबू नायडू के एनडीए से अलग होने के बाद एनडीए के राजनीति में घमासान मचा हुआ है। इस समय बिहार से आरएलएसपी के नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर स्थापित उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को लेकर एनडीए से अलग होना चाहते हैं और उन्होंने सीट शेयरिंग पर हुए फैसले से अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह अभी अंतिम फैसला नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर वो अमित शाह से खुद बात करेंगे और उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि दोनों पार्टियां बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, यानी कि दोनों को 50-50% मिलेगा। अमित शाह के इस ऐलान के बाद आरएलएसपी के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीटों पर फैसला अभी बाकी है और यह फाइनल फैसला नहीं है, इसके बारे में वो अमित शाह जी से बात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है। राज्य के सीएम नीतीश कुमार के वोट बैंक पर नजर गड़ाए आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जहां शुक्रवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात कर राजनीति में गहमागहमी को बढ़ा दिया था, वहीं उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता धानुक कुर्मी एकता मंच पिछले 2 नवम्बर को राजधानी पटना में एक बड़ा जातीय समारोह करके नीतीश कुमार के मुश्किलें बढ़ा दी है। उधर आरजेडी और आरएलएसपी के नेताओं का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी की मुलाकात महज एक संयोग थी। सूत्रों के अनुसार आरएलएसपी बीजेपी जेडीयू के ऐलान से खुश नहीं है। बीजेपी अमित शाह ने यह जरूर कहा कि एनडीए के सभी गठबंधन सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, लेकिन आरएलएसपी की महत्वाकांक्षाएं कहीं और ज्यादा हैं। आरएलएसपी का कहना है कि उनका जनाधार पिछले 5 वर्षों में दुगने से ज्यादा हुआ है, अतः उनको पिछले बार से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। आरएलएसपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र नाथ ने कहा कि आज बिहार के धानुक और कुर्मी समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस समाज से लगभग 14% से ज्यादा आबादी के बावजूद सांसद, विधानमंडल, मंत्रिमंडल और अन्य संवैधानिक पदों पर प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है। हालांकि सूबे के राजनीतिक घटनाक्रम और पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के तेजस्वी से मुलाकात को लेकर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सूत्रों के मुताबिक कुशवाहा राज्य के सीएम नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुर्मी कोइरी समाज अभी तक नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है, परंतु उपेंद्र कुशवाहा का ये प्रयास है कि उस बड़े जातीय समूह से एक छोटी छोटी जातियों को बांटकर उनके वोट बैंक में सेंध लगाया जा सके। इधर जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि एनडीए एकजुट है और सीटों के बंटवारे को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या महागठबंधन 133 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आरजेडी की बी की तरह काम करे। उन्होंने यह भी कहा कि क्या कांग्रेस इस बात को स्वीकार करेगी कि उसको सीटें जो मिलेंगी वो जेल में बैठा एक व्यक्ति तय करेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन में हम नेता जीतन राम मांझी को क्या मिलेगा, क्या उन्हें सम्मानजनक सीट मिलेगा, क्या मांझी को सम्मान मिलेगा। यह सवाल खड़े करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए एकजुट है और हम एकजुट होकर 2019 के चुनाव मैदान में जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जातिगत इंजीनियरिंग करने वाले को नया और ट्रेंडी टर्म दिया गया है जिसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो इस पर कटाक्ष करते हुए नीरज ने कहा कि आरएलएसपी के सोशल इंजीनियरिंग पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं, परंतु जातीय राजनीति करने वाले कभी ज़्यादा दिन तक राजनीति में नहीं रह सकते, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ एक जाति की राजनीति नहीं करते, वो पूरे बिहारवासियों की राजनीति करते हैं और पूरे बिहारवासी उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने यह कहा कि यह एक संयोग था कि तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात थी। आरजेडी और आरएलएसपी के बीच अभी कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हो रही है और हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर कुछ ऐसा होता है तो मीडिया को जरूर बताया जाएगा। और महागठबंधन के सीट शेयरिंग के सवाल पर झा ने कहा कि यह केवल एक दिन की बात है, हम एक दिन बैठकर एक एक सीट पर फैसला कर लेंगे कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। सूत्रों की माने तो इसी बीच खबर आ रही है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने 17-17 सीटों पर अपनी बात मानी है कि 17 सीट पे बीजेपी, 17 सीट पे जेडीयू, बाकी बची 6 सीटों में 4 पे रामविलास पासवान की पार्टी और 2 पे उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी चुनाव लड़ेगी। परंतु यह सूत्रों के अनुसार ही खबर है, अभी तक इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। हाल ही में पटना में हुए एक समारोह में सुशील मोदी ने कहा कि यह बात हमें पता नहीं है और इन बातों का हम जिक्र अभी मीडिया में नहीं कर सकते जब तक कि इसकी औपचारिक घोषणा न हो जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एनडीए एक साथ चुनाव लड़ेगा, क्या उपेंद्र कुशवाहा बिहार में नीतीश कुमार को अपना नेता मानने को स्वीकार करेंगे। उसी के वोट बैंक में अगर सेंध मार दिया जाए तो उनकी राजनीति आगे जा सकती है और वह एक नीतीश के विकल्प के रूप में बिहार में खड़े हो सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, लेकिन देखते हैं समय कहां ले जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।